गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। सो हियर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इन स्कूल्स। इन स्कूल्स मतलब विद्यालयों में। तो कंप्यूटर के उपयोग हम देख रहे थे, तो हम घर में कंप्यूटर किस किन उद्देश्यों के लिए काम में लिया था वो हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि स्कूल्स में किन किन उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर काम में लिया जाता है। इन स्कूल्स कंप्यूटर्स आर बींग यूज फॉर मैनी पर्पजेज। अगेन रिपीट, इन स्कूल्स कंप्यूटर्स आर बींग यूज फॉर मैनी पर्पजेज। इन स्कूल्स विद्यालयों में कंप्यूटर्स आर बींग यूज मतलब कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं फॉर के लिए, मैनी मतलब कई, पर्पजेज मतलब उद्देश्यों के। तो विद्यालयों में कंप्यूटर कई उद्देश्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है टू टीच इन क्लासरूम्स। टू टीच इन क्लासरूम्स, टीच मतलब पढ़ाना, इन क्लासरूम्स मतलब कक्षा कक्षों में, तो क्लासरूम्स में पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू मेक टाइम टेबल्स। अगेन रिपीट, टू मेक टाइम टेबल्स, मेक मतलब बनाना, टाइम टेबल्स मतलब समय सारणी, तो समय सारणी बनाने के लिए। नेक्स्ट है टू कीप फी रिकॉर्ड्स। अगेन रिपीट, टू कीप फी रिकॉर्ड्स, टू कीप मतलब रखना, फी मतलब फीस, रिकॉर्ड्स मतलब लेखा, तो फी का लेखा रखने के लिए। नेक्स्ट है टू मेक टेस्ट पेपर्स, पेपर एंड रिपोर्ट कार्ड्स। अगेन रिपीट, टू मेक टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स, मेक मतलब बनाना, टेस्ट पेपर मतलब, टेस्ट पेपर का अर्थ प्रश्न पत्र, एंड का मतलब और, रिपोर्ट कार्ड मतलब अंक तालिका या उत्तर के लिए जो काम में ली जाती है जिसमें हमारे मार्क्स लिखे होते हैं, तो टेस्ट पेपर और रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। टू राइट द सर्कुलर्स। अगेन रिपीट, टू राइट द सर्कुलर्स, टू राइट द सर्कुलर्स, राइट का मतलब होता है लिखना, सर्कुलर्स का मतलब होता है परिपत्र या फिर इश्तिहार, तो परिपत्र लिखने के लिए। टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अगेन रिपीट, टू कीप द ए रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, टू कीप रखने के लिए, रिकॉर्ड्स मतलब लेखा, ऑफ बुक्स किताबों का, इन द लाइब्रेरी हमारे पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में किताबों का लेखा रखने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इन ऑफिसेज। अब हम पढ़ेंगे ऑफिस में कंप्यूटर किन किन उद्देश्यों के लिए काम में लिया जाता है। इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मैनी पर्पजेज। अगेन रिपीट, इन ऑफिसेज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर मैनी पर्पजेज। इन ऑफिसेज दफ्तरों में कंप्यूटर्स आर यूज कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं फॉर के लिए, मैनी मतलब कई, पर्पजेज मतलब उद्देश्यों के लिए, तो दफ्तरों में कंप्यूटर कई उद्देश्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, पहला है कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। अगेन रिपीट, कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर इज यूज्ड, कंप्यूटर काम में लिया जाता है फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए मतलब मुद्रण के लिए, टंकण के लिए, टंकण के लिए, एंड प्रिंटिंग मतलब होता है मुद्रण के लिए, छपाई के लिए, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेजों के, तो दस्तावेजों की प्रिंटिंग और टाइपिंग के लिए कंप्यूटर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन सीडी ऑब्लिक डीवीडी व्हिच इज इजियर रेदर देन टू हैंडल बल्कि फाइल। अगेन रिपीट, कंप्यूटर इज यूज्ड टू स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इन सीडी ऑब्लिक डीवीडी व्हिच इज इजियर देन टू हैंडल बल्कि फाइल्स। इसका अर्थ देखते हैं, कंप्यूटर इज यूज काम में लिया जाता है टू स्टोर संग्रह करने के लिए, ऑल मतलब सभी, द इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का, इन सीडी और डीवीडी विच जो कि ईजियर मतलब आसान है, रेदर देन मतलब के अलावा, टू हैंडल मतलब उनको संभालने के लिए, बल्कि मतलब भारी या बड़ी, फाइल्स मतलब दस्तावेज। तो कंप्यूटर सूचनाओं को सीडी या डीवीडी में संग्रह करने में काम में लिया जाता है जो कि बड़ी
दस्तावेजों को संभालने की तुलना में आसान है। तो क्या बोला इन्होंने, कंप्यूटर सूचनाओं को सीडी और डीवीडी में संग्रह करने में काम में लिया जाता है, जो कि बड़ी फाइल्स को संभालने की तुलना में आसान है। अब लास्ट के दिया गया है दफ्तरों में, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बाय ईमेल यूजिंग अवर कंप्यूटर। अगेन रिपीट, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस बाय ईमेल यूजिंग अवर कंप्यूटर। वी का मतलब हम, कैन सेंड भेज सकते हैं, एंड मतलब और, रिसीव मतलब प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज मतलब संदेश, बाय के द्वारा, ईमेल ईमेल के द्वारा, यूजिंग अवर कंप्यूटर कंप्यूटर का, हमारे कंप्यूटर का उपयोग करके। तो हम हमारे कंप्यूटर का उपयोग करके संदेशों को ईमेल के द्वारा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। अब ईमेल क्या होता है, ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच सेव्स अवर टाइम एंड मनी। अगेन रिपीट, ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच सेव्स अवर टाइम एंड मनी। तो ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युतीय मेल है, विच जो कि, सेव्स मतलब बचाता है, अवर मतलब हमारा, टाइम मतलब समय, एंड मतलब और, मनी मतलब रुपए या पैसा। तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कि हमारा समय और पैसा दोनों बचाता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आपको जो वर्कशीट दी गई है उसमें से वोकेबुलरी पढ़ के चैप्टर की रीडिंग लगानी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछना है। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।